हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। CBSE स्कूल्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष युद्धवीर सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर बच्चों को एडमिशन दिलवाए जा रहे हैं। RTI एक्ट के मुख्य उद्देश्य का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट के आदेशों के खिलाफ शिक्षा विभाग भी अपने ही तुगलकी फरमान जारी किए हुए है। CBSE स्कूल्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व रिटायर्ड स्क्वाड लीडर युद्धवीर सिंह ने आरोप लगाया कि RTI एक्ट 134 के तहत होने वाले दाखिलों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रिलीज बनाया है, उसमें मैंने सारे मुद्दे दे दिए। उसके अलावा 134 का इतना गड़बड़ घोटाला हो रहा है, जो जेन्युइन केसेस हैं वो नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं जो बोगस इनकम सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज कर सरकार और प्रशासन RTI एक्ट 2009 के प्रावधानों को धता बताकर गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। बोगस सर्टिफिकेट बनवा करके अभिभावक आ रहे हैं, फलस्वरूप वास्तविक गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। केवल BPL कार्ड होल्डर वाले गरीब बच्चों को 134 के तहत एडमिशन मिलना चाहिए, मगर गैर कानूनी ढंग से बोगस आय प्रमाण पत्र बनवा करके दाखिले करवाए जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि अगले सप्ताह स्कूल अलॉटमेंट हो जाएंगे तो क्या उनका स्कूल 134 के तहत दाखिले देंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के पास अगर बोगस सर्टिफिकेट होगा तो वो बिल्कुल एडमिशन नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो पिछले 4 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, क्यों नहीं वो बदलते हैं, क्यों नहीं कोर्ट के मुताबिक काम करते हैं, क्यों अपना चलाए जा रहे हैं कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। तो जो 134 के तहत जो अलॉटमेंट होंगे स्कूल, पलवल प्राइवेट स्कूल वो इलीगल कर रहे हैं, तो आपका स्कूल क्या एडमिशन देगा जी? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं BPL कार्ड भेज दो, जो भी बच्चा है स्कूल नहीं जा पाया है, स्कूल से ड्रॉप आउट है, भेज दो मेरे पास, मैं दूंगा, उसे पढ़ाऊंगा जो कानून कहता है उसके मुताबिक। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो अलॉटमेंट होगी उसकी बस हम सवाल करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो एलोकेशन हो रही है वो टोटल ही गैर कानूनी हो रही है। तो क्या पलवल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी स्कूल है, तो मैंने आज स्कूल वालों को भी बुलाया है, स्कूल वाले जो अपना डिसीजन लेंगे वो उनका अपना डिसीजन होगा, मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, मेरे खिलाफ इन्होंने FIR भी की है, मेरे खिलाफ इन्होंने नो ऑब्जेक्शन विड्रॉ करने की भी वो की है, इनकी इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें पाया गया है कि मैं सही हूँ। सर एडमिशन देंगे या नहीं देंगे, मैं बता तो दिया, BPL कार्ड होल्डर्स को ले आइए। नहीं, जो उन्होंने क्राइटेरिया एलोकेशन जो देंगे, एलोकेशन अगर वो बोगस इनकम सर्टिफिकेट पे है नहीं दूंगा, नहीं देंगे। अच्छा, और जो तो दूसरे स्कूल है, आप चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, चेयरमैन है, आपके अंडर में काफी स्कूल आते हैं, तो क्या वो स्कूल भी देंगे या नहीं देंगे? ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आज मौजूद थे। हाँ जी, इस प्रेस वार्ता में वो भी मौजूद रहे। एक चेयरमैन होने के नाते आप क्या उनको एडवाइस करेंगे कि एडमिशन? मैंने उनको ये प्रेस रिलीज की कॉपी उनको भी दे दी है। सर आप कैसे कह सकते हैं कि बोगस हैं जो एडमिशन आ रहे हैं आपके पास? मैं आपको पूछ रहा हूं कि जो एक आदमी अपने बच्चे को 5 से 7 साल तक उसी स्कूल में फीस दे करके पढ़ा रहा है, वो ओवरनाइट बोगस सर्टिफिकेट कैसे ले आया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ढेसी साहब का प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी उनका लेटर है कि जांच करो, ये करते नहीं है। सर BPL रोजाना नहीं बनते, लेकिन जो लोग गरीब है वो फिर एडमिशन कैसे लेंगे? मैं जो कह रहा हूँ कि BPL या गरीब, जो 6 से 14 साल के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो RTE का मेन मुद्दा था, उसके मुताबिक जो भी बच्चा ऐसा आना चाहे देता हूं मैं उसको एडमिशन। फिर क्या फैसला लिया मीटिंग के जो करी और पीस? वो तो आप लोगों से, तो आप लोगों से तो मैं ये सपोर्ट चाहता हूं कि ये जो गैर कानूनी और ये चल रहा है भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें हमारी मदद करें, इसको रोकने। वो केवल उन्हें ही एडमिशन देंगे जो वास्तविक रूप में गरीब है और उनके पास BPL कार्ड होगा, जो कानून कहता है उसके तहत काम करेंगे। 6 से 14 साल के ड्रॉप आउट गरीब बच्चों जो आर्थिक कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जो स्टूडेंट पिछले 3-4 साल से नॉर्मल फीस दे करके पढ़ रहे हैं, वे अब कैसे गरीब होने का सर्टिफिकेट बनवा लाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे बोगस आय प्रमाण पत्र बनवाने और बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए। सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लिखित आदेश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से वह RTI एक्ट को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि वास्तविक BPL कार्ड धारकों को ही एडमिशन मिलना चाहिए,
लेकिन आय प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें ही एडमिशन दिलवाए जा रहे हैं। आरटीआई एक्ट के मुख्य उद्देश्य का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट के आदेशों के खिलाफ शिक्षा विभाग अपने ही तुगलकी फरमान जारी किए हुए है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के चलते उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, जो बाद में गलत सिद्ध हुई। उन्होंने कोर्ट में जाकर अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इंक्वायरी में वो भी पाक साफ साबित हुए हैं। पलवल से वीना चौहान की खास रिपोर्ट।